उन फैक्टर्स को समझकर जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए प्रभावित कर सकते हैं, आप अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। सबसे पहले एक वेल डिफाइंड फाइनेंशियल गोल होना और इन गोल्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में सेट करना। उदाहरण के लिए एक 20 साल के इंस्पायरिंग आर्टिस्ट या इस 35 साल के फैमिली मैन को लें जिनकी जरूरतें अलग है, या शायद ये यंग डायनामिक वर्किंग कपल जो अगले 10 से 12 सालों में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए गोल्स और प्रायोरिटीज अलग अलग होती है और उनकी पहचान करने से आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए आधार निर्धारित करने में सहायता मिलनी चाहिए। दूसरा प्रमुख इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर समय है। ये समझना कि आपके पास अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए कितना समय है, आपको बेहतर योजना बनाने में सहायता कर सकता है। उदाहरण के लिए एक यंग कपल किसी और के लिए 10 से 12 साल तक काम करना चाहते हैं, जबकि वे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त कैपिटल बचाते हैं, इसलिए वे स्टॉक या शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करके कुछ रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वे बहुत पैसा कमाना चाहते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट के साथ यदि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो उससे उबरने का समय भी उनके पास है। यदि हालांकि वे अपने बिजनेस अगले 3 से 4 वर्षों के भीतर शुरू करना चाहते हैं तो वे अपने पैसे के साथ बहुत कम रिस्क ले सकते हैं और इसीलिए इन्वेस्टमेंट चॉइसेस अलग होंगे। सामान्य तौर पर आपको उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कम समय अवधि होने पर कम रिस्क उठाते हैं, लेकिन यदि आपके पास योजना बनाने के लिए लंबी समय अवधि शेष है तो आपको उन प्रोडक्ट्स को भी देखना चाहिए जो आपको धन कमाने में सहायता करते हैं, भले ही वे अधिक रिस्क उठाते हों। तीसरा महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स आपकी रिस्क प्रोफाइल है। ये आपको ये निर्धारित करने में सहायता करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी उम्र, आय, अब तक जमा की गई संपत्ति, डिपेंडेंट्स की संख्या, मानसिक दृढ़ता आदि जैसे विभिन्न फैक्टर्स पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसके लिए रिस्क प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण निर्धारक है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी अलग अलग होता है। कुछ लोगों में रिस्क लेने की अधिक भूख हो सकती है। इसका मतलब है कि आपके कलीग्स अपने पैसों के साथ जो कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं भी हो सकता है, इसलिए आंख मूंद कर उनकी नकल न करें और टिप्स पर काम करें। चौथा फैक्टर जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को प्रभावित कर सकता है वो आपके अपने इमोशंस हैं। स्टॉक्स और शेयर्स जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स मार्केट मूवमेंट से जुड़े होते हैं और इसीलिए उतार चढ़ाव से ग्रस्त होते हैं। एक दिन वे आपको शानदार रिटर्न्स दे सकते हैं और आप बहुत खुश महसूस करते हैं, लेकिन अगले ही दिन वैल्यू गिर सकती है और आप वास्तव में चिंतित हो सकते हैं। राज ये है कि घबराए नहीं और बाजार में होने वाली हर चीज पर रिएक्ट न करें और एक अच्छी तरह से वेल डिफाइंड प्लान पर कायम रहें। आखिरकार यदि आप स्मार्ट हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म काम भी करें। इन्वेस्टमेंट चॉइसेस बनाते समय अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को ध्यान में रखना न भूलें। यह आपको कठिन समय के दौरान ट्रैक पर रहने में सहायता करता है। जबकि अब तक हमने जिन फैक्टर्स के बारे में बात की है वो आपके बारे में है, आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में भी पता होना चाहिए जो आपके डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इन्फ्लेशन आपके इन्वेस्टमेंट के रियल वैल्यू को प्रभावित कर सकता है। बढ़ती कीमतें आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यूज पर असर कर सकती है, इसलिए आपको इन्फ्लेशन से आगे रहने के लिए हमेशा योजना बनाने की। अर्थव्यवस्था में हाई और लो ग्रोथ के साइकिल्स होते हैं जो उस गति को प्रभावित कर सकते हैं जिसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अंत में सरकार की स्टेबिलिटी और उसकी पॉलिसीज भी बाजार और कॉन्सिक्वेंटली आपके वेल्थ और इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करती है। इसलिए आप जब कोई फैक्टर्स को समझते हैं जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं, आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की राह पर हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Mutual fund investments बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।